आपका स्वागत है भाई बहन और भात सेरेमनी में। मामा आज हम कहाँ जा रहे हैं? सोनू मामा के घर। देखो भाइयों के यहाँ जाना बहुत जरूरी होता है। अभी हमारे घर में एक रिसेंटली सेरेमनी हुई थी, क्या था उसका नाम? हाँ भात। तो मेरे को वहाँ रियलाइज हुआ, अरे भाई भाई की तो बहुत जरूरत है, तो भाई को पटाने के रखना पड़ेगा आगे तक, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं सोनू मामा के यहाँ। ये मैं और सोनू भाई हैं। इस फोटो में हमारे साथ भाभी और संदीप भी हैं, क्योंकि इन्हें मक्खन लगा के रखना बहुत ही जरूरी है। और ये एक छोटी सी क्लिप है हम भाई बहनों की मस्ती की। भाई ने फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, मस्ती करनी तो बनती ही है, इसलिए हम सब नाच रहे हैं जोरों जोरों की। भाई बहनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब ये है वो भात सेरेमनी जिसके बारे में बात कर रही थी। इसमें पहले संदीप की जो बहन है वो हमारे यहाँ भात न्योतने आई। ये देखो मैं कैसे बहू बनी बैठी हूँ। यहाँ चल रहा है लेडीज संगीत, बहुत सारी गांव की लेडीज आई हुई हैं, इकट्ठे बैठ के गाने गा रही हैं। यहाँ मैं मिलवा रही हूँ मम्मी को आपकी चौथे नंबर की ओर से ये रही। अब जो संदीप की दीदी भात न्योतने आई थी, हम उनके घर अब भात देने आए हैं। ये सेरेमनी मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे मैं सोशली संदीप के साथ खड़ी थी सबके सामने। यहाँ पे संदीप की दीदी ने संदीप का टीका करा, मेरा टीका करा, आरता उतारा, और जो पापा ने बताया था कि उनकी प्लेट में ये रखना है, तो वो हमने उनकी प्लेट में एक शगुन रख दिया। बारी बारी सब कपल्स इस पटरे पे खड़े हुए और सबने यही वाला फॉलो पैटर्न करा। हम पटरे से उतर के वापस आ रहे हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदे से आपको मिलवाती हूँ मैं, वो है संदीप की बड़ी सिस्टर माओ की पूम बुआ जी। माओ अपनी तोतली जुबान में पूनम बुआ जी को बोलती है पूम बुआ जी। मेरे कोई बड़ा मजा आ रहा है कि इम्पोर्टेंस मिल रही है, मेरा भी टीका हो रहा है, माओ को भी मजे आ गए। अब कराए हमने कुछ फोटोज। अब आपको कमेंट करके बताना है रेड साड़ी वाली मेरी कौन लगी।